Hey guys, welcome to my channel. This is Piercing Vlog 2 and I am ZS. Today I am going to change my piercings. Now I'll remove my old studs. ये फ्रेश पियर्सिंग है तो इसकी मैं अभी नहीं उतारूंगी, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है, इसको मैं रहने देती हूँ। बाकी मैंने सारी उतार ली। एक्चुअली मैं क्यूट लिटिल टाइनी हुप्स लेकर आई हूँ, गोल्ड हुप्स। आई एम सो एक्साइटेड टू गोइंग टू वेयर दैट। मैंने डबल लो पियर्सिंग में ये फाइबर स्टिक डाल रखी है, इसकी वजह से आपके कान पेन भी नहीं करते और इसमें ब्लड बम भी नहीं बनते। ये मेरी सरफेस ट्रिगर इयररिंग है, कॉन्च इयररिंग है एंड दिस इज माय क्यूट लिटिल टाइनी हूप्स। एक्चुअली मैं कल ही लेकर आई हूँ तो मुझे ट्राई करने थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि किस तरह से लगते हैं ये पहनकर। तो ये मैंने 3 सेट्स लिए हैं, गोल्ड के हैं ये। नाउ आई एम वेयरिंग माय फर्स्ट हुप। आप जब भी पियर्सिंग करवाएं, छोटी सी टिप है कि इसको बार बार आप फिर आकर दिन में 2 बार क्लीन करें डिटॉल से एक्सेट्रा, सी सॉल्ट स्प्रे से एंड व्हाट क्लीनर यू हैव, एंटीबैक्टीरियल, पायोडीन भी यूज़ कर सकते हैं आप, कॉटन बड पे लगा के पियर्सिंग को आगे पीछे से पायोडीन से साफ कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑइंटमेंट लगा लें कोई भी जो भी अवेलेबल हो, पेन फ्री, बैटनावेट, पॉलीफेक्स। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं और छोटे छोटे बम्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। मैंने जब ये पियर्सिंग की थी तो मुझसे रात को सोया नहीं जाता था, तो मैं ट्रैवलिंग प्लो यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से मुझे आराम से नींद आ जाती है। एक और बात है जिसका ध्यान रखना पड़ता है जब आप पियर्सिंग करवाएं, फ्रेश पियर्सिंग जब होती है तो आपकी बहुत ज़्यादा पेन करती है, हाथ भी नहीं लगाया जाता, तो उस वक्त आप अपने बालों में जब शैम्पू करें वो करें तो आप सारे बालों को डाउनवर्ड में करें, यानी कि सर को उल्टा करके करें ताकि नीचे के साइड पर बाल हो जाएं, तो आपके कानों को हर्ट नहीं करते। अगर हम सीधा रखकर सीधा स्कैल्प पे शैम्पू लगाते हैं तो जिसकी वजह से सारा शैम्पू हमारे पियर्सिंग्स के अंदर जाता है, वो उसके बाद बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पकने लगते हैं। एंड हेयर रिजल्ट, आई थिंक इट्स लुकिंग क्यूट एंड माई डबल लो पियर्सिंग इट्स लुकिंग नाइस। दैट वॉज माई राइट ईयर एंड दिस इज माई लेफ्ट ईयर। एक्चुअली जब से मैंने पियर्सिंग करी है आज तक मैंने हुप्स ट्राई नहीं करे, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पहनकर, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। यहाँ पर मैं लोअर लो पियर्सिंग चेंज करूँगी और कॉन्च चेंज करूँगी और सरफेस ट्रेकर्स। ऊपर वाले इयररिंग्स मेरे वाइट गोल्ड हैं तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती, बस उनको रहने देती हूँ क्योंकि अभी मेरी पियर्सिंग्स को 1 साल हुआ है। अगर मैं ज़्यादा चेंजिंग करती हूँ या ज़्यादा आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो मुझे पेन होने लगता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जब भी बाहर जाएं तो कभी भी गन से आप अपनी पियर्सिंग मत करवाएं क्योंकि उससे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं गन से समझते हैं बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हमारे स्टड के अंदर कोई भी शार्प एंड नहीं होता, जिसकी वजह से शार्प ना होने की वजह से हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। जब निडल से पेन टॉलरेंट भी होता है, और अगर आप खुद करें, वैसे खुद मत करिए, किसी हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता खुद करने का। आई हैव अ पियर्सिंग निडल सेट एंड ऑल आर डन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। आई एम गोइंग टू चेंज माई कॉन्च पियर्सिंग। जब भी मैं चेंज करती हूँ मुझे कोई आधा घंटा एक घंटा लग जाता है अपनी पियर्सिंग्स चेंज करने में और क्लीन करने में, तो ये अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है इनको क्लीन करने के लिए और चेंज करने के लिए। ये सरफेस ट्रिगर्स चेंज करूँगी। And how does it look? I think it's really cute and looking so different because मैंने इतने दिनों से स्टड पहन रखे थे, तो अब ये हूप्स चेंज करें तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।